अफसोस तो नहीं, लेकिन आई थिंक देर वर अ फ्यू ऑफर्स दैट वर नॉट मोर मी, यू नो, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं इतना शायद टाइम दे पाती लास्ट ईयर. एंड मैं अगर कोई भी प्रोजेक्ट यू नो टेक ऑन करूँ, मैं चाहती हूँ कि उसको मैं 1000% अटेंशन दूँ और बहुत अच्छे से करूँ एंड रियली मेक इट समथिंग डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग एंड यू नो हार्ड हिटिंग. ऐसा नहीं कि आई डू समथिंग क्योंकि आया है ऑफर. सो आई रियली वॉन्टेड टू गिव समथिंग 100%. लास्ट ईयर तक मेरे पास टाइम नहीं था, आई वॉज वेरी फ्रैंक अबाउट दैट, जो भी मेरे पास आता था काम के लिए. एंड नाउ दैट माई सन इज़ अ लिटल ओल्डर, वो स्कूल जाता है, ही हैज़ हिज ओन फ्रेंड्स सर्कल, वो अपना करता है, सो आई नो दैट आई कैन ऑल्सो बैलेंस अ लॉट ऑफ फिल्म वर्क, जो मेरे लिए अच्छा है. मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था पहले से ही. मैं आई हैव ऑलवेज बीन अ एक्टर. जो फिल्म मेरे पास आए, अगर मुझे मज़ेदार लगे, वो एक्सपीरियंस में मज़ा आएगा, तो मैं उस चीज़ में इन्वॉल्व होती हूँ, वरना नहीं होती हूँ. तो आई हैव नेवर वॉच्ड अ फिल्म एंड आई हैव थॉट कि अरे काश, यू नो, आई हैव नेवर थॉट कि मुझे करना चाहिए था. दैट्स नेवर बिन माई एटीट्यूड और आज भी वैसा नहीं है, क्योंकि आई थिंक आई एम अ पर्सन हू, एज आई जस्ट मेंशनड अर्लियर, हैज़ अ वेरी फुल लाइफ. बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं मेरे लाइफ में, तो एंड यू नो थैंक गॉड for the blessings, because हर चीज़ बहुत ही पॉजिटिवली और बहुत ही सक्सेसफुली हो रही है. सो आई फोकस ऑन दैट एंड आई डोंट फोकस ऑन अदर थिंग्स. जी बहुत ही मज़ेदार मेमोरी बनी, क्योंकि लवली सिंह के साथ क्या लव स्टोरी है जो फिल्म हमने बनाई थी साथ में. उसके बाद अब काम कर रहे हैं और उन्होंने इतना अच्छा डायरेक्शन किया है, इतना अच्छे से एग्जीक्यूट किया है ये प्रोजेक्ट को, दैट इट्स बिन अ प्लेजर वर्किंग ऑन इट. और डडली जो है सिनेमाटोग्राफर, इज़ जस्ट लवली टू वर्क विथ. और गाना मज़ेदार था, और हमने बॉम्बे में, ओल्ड बॉम्बे में, कोलाबा साउथ बॉम्बे में शूट किया था, जहाँ यू नो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था टू रोम अराउंड, ऑल्दो मैं वहीं रहती हूँ, कोलाबा में रहती हूँ, बट आई गॉट अ चांस टू रियली रोम अराउंड गलियों में. और यू नो दो दिन का शूट था, इट वॉज वेरी क्विक, बट इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस और बहुत ही मज़ा आया मुझे. तो मैं बहुत ही लकी हूँ कि पहले से मेरे लाइफ में ऐसे ही लोग हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं किसी चीज़ को. ओपिनियंस में हर एक जो मेरे इंपॉर्टेंट है लाइफ में, उनसे ओपिनियन ज़रूर लेती हूँ, बट देर इज़ नोबडी इन माई लाइफ लकीली जो कहे कि यू नो दिस इज़ नॉट गुड और दैट इज़ नॉट गुड और डोंट डू दिस. एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ सपोर्ट सिस्टम, जहाँ बी इट माई हस्बैंड और बी इट माई पेरेंट्स और इन लॉज और फ्रेंड्स ऑल्सो, दैट आई वेरी फ्यू बट क्लोज फ्रेंड्स, यू हैव नेवर डिस्करेज मी फ्रॉम डूइंग थिंग्स दैट आई बिलीव इन, एंड दैट्स रियली गुड.